गाइज वेलकम टू आवर चैनल मैड गैविज। तो आज हम देखने वाले हैं इंडिया के टॉप 5 स्पोर्ट प्लेयर्स। भाई लोग, ये लिस्ट मेरे मुताबिक है। अगर इन 5 की जगह कोई भी और बंदा डिजर्व करता है तो कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो भाई, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्वस्तिक भाई 4 अननोन से खेलते हैं और पिछले साल की बैटल अरेना के वो एमवीपी रह चुके हैं। उनकी टीम 4 अननोन पिछले साल की बैटल अरेना की चैंपियन रह चुकी है। तो आप समझ सकते हैं ये बंदा कितना अच्छा खेलता है अपनी स्क्वाड की तरफ से। फोर्थ पोजीशन पर आते हैं टीजी माफिया वाला। ये बंदा जाना जाता है अपनी स्नाइपिंग की वजह से। माफिया भाई टोटल गेमिंग की तरफ से खेलते हैं और उनकी टीम पिछले साल की एफएफआईसी चैंपियन रह चुकी है। थर्ड पोजीशन पर आता है पहाड़ी गेमिंग। पहाड़ी भाई अपने पिछले साल के एफएफआईसी के स्नाइपर ऑफ द ईयर रह चुके हैं। पहाड़ी भाई की स्नाइपिंग इतनी घातक है कि वो सामने वाले पूरी स्क्वाड को वाइप करने की पावर रखते हैं। सेकंड पोजीशन पर आते हैं अपने वासियो गेमिंग। वासियो गेमिंग एक ऐसा बंदा है जो जिस भी टीम में हो उस टीम से वो अच्छा ही करता है और अच्छी परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि वो बंदा शांत दिमाग से डिसीजन लेने वाला बंदा है। वो पिछले साल टीजी से खेले थे और उस टीम को भी इन्होंने चैंपियन बनाया था, और इस बार वो गैलेक्सी रेसर से खेले और इस बार वो भी टीम चैंपियन बनी। तो आप सब आज समझ सकते हैं कि इस बंदे के पास गेम की कितनी नॉलेज है और कितनी स्किल्स है, जो ये बंदा हर बार जिस भी टीम से खेलता है उसको चैंपियन बनाने में अपने पूरी जी जान लगा देता। फर्स्ट पोजीशन पर आते हैं टीजी फौजी अजय। ये बंदा अपने टीम का कैप्टन भी है और रशर भी है। टोटल गेमिंग के लिए ये बंदा सबसे वैल्यूबल है, क्योंकि अब तक टोटल गेमिंग में जितने भी टूर्नामेंट जीते हैं वो सभी इनकी कैप्टनसी में जीते हैं। उसमें से सबसे बड़ा टूर्नामेंट था एफएफआईसी। आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस, कल मिलेंगे और एक न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।